बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया होंगे अपने फॉर्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी। ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गया 20 लेक्चर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 21। इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉड एंड अ फिगर। प्रीवियस लेक्चर में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी कवर हो गया था और मॉड भी कवर हो गया था। अब आज का हमारा लेक्चर है फिगर। फिगर क्या है? मॉड एंड फिगर में ना बेसिकली फोर स्टेप्स होते हैं, हमें याद होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर, ये लेक्चर लेने से पहले आपको 20 लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है, फिर भी आप इसको समझ सकेंगे। मतलब आप ये समझ लें ये उसका उसी लेक्चर का पार्ट टू है। ओके, ये जो स्टेप्स इन मॉड एंड फिगर है ना, इसके लिए हमारे पास फोर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है मेक द आर्ग्यूमेंट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने किसी आर्ग्यूमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके लिए फोर कंडीशंस होती हैं, डिटरमिन द मॉड, मॉड को डिटरमिन करना, ये भी हमने पढ़ लिया था। डिटरमिन द फिगर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, चेक द वैलिडिटी। ये दो स्टेप हमारे कवर हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम ये दो स्टेप्स को कवर करेंगे। स्टेप नंबर थ्री, फिगर। फिगर क्या है? फिगर The figure of a categorical preposition, a categorical syllogism, is determined by the location of the two occurrences of the middle term in the premises. Figure हम किससे, हमें कि figure को कैसे पता चलता है? Figure का हमें पता चलता है occurrences, location of the occurrences of the middle term, के middle term की location क्या है premises में। अब basically हमारे पास होती हैं four figures. Step one में, फिगर वन में हमारे पास एम पी एस एम, ये मिडल टर्म, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमारे पास ये देखें इस तरह, फिर हमारे पास आ जाता है प्रेडिकेट और मिडल टर्म, ये इस तरह, फिर हमारे पास इस तरह, और ये हमारे पास आ जाता है इस तरह। अब देखिए हमारे पास पी हर जगह फर्स्ट पे है, तो पी एम किसको डिनोट करता है? मेजर टर्म को। और मेजर टर्म हमने कहाँ पे पढ़ी थी कि कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट पे। इस वजह से हर जगह जो पी है वो फर्स्ट पे है और एस जो है वो सेकंड पे है। एस का मतलब क्या होता है? माइनर टर्म। सब्जेक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ना माइनर टर्म, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो हमारे पास माइनर प्रीमाइस है। अब इसको याद आपने रखना है कि आपने किस तरह इसको याद रखना है, मिडल टर्म की लोकेशन, ये प्रीमिसेस में मिडल टर्म की लोकेशन क्या, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास फिगर कौन सी है। ओके, अब देखिए क्या हमारे पास ट्री क्या, जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड उसे उठा के ना इस तरह रखें, इसके ऊपर इस तरह, तो ये आपका राइट हैंड से यहाँ पे दो आएंगे, और फिर जो आपका राइट हैंड होगा उसे आपने उठा के इस तरह सीधा कर लें। पहले राइट हैंड को इस तरह रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फिगर आएगी, फिर राइट हैंड को हम इस तरह रखेंगे तो हमारे पास सेकंड फिगर आएगी, फिर जब आपका लेफ्ट हैंड होगा ना फिर आपने इसके ऊपर इस तरह रखना, तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड फिगर, और जब हमारे पास लास्ट अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्थ फिगर। देखें फर्स्ट पे आपने राइट हैंड रखा इस तरह, तो मिडिल टर्म यहाँ पे, फिर हमने राइट हैंड को रखना इस तरह स्ट्रेट, फिर हमारे पास आ जाएगी सेकेंड फिगर, और फिर हमने अपने लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखना, फिर आ जाएगा हमारे पास थर्ड फिगर, और फोर्थ पे हमने अपने राइट हैंड को इस तरह रखना। ओके, अब देख लेते हैं। ऑल माइस एनिमल्स आर क्यूट एनिमल्स। ओके, हमने ये पढ़ लिया था, ये हमारे पास क्या है? मेजर। मेजर ये हमारे पास क्या था? माइनर। ओके, तो इसे हमने क्या कहा था? मेजर प्रीमाइस। ये हमारे पास था माइनर प्रीमाइस। ये हमारे पास क्या थे? मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म। अब ये जरा देखें कि हमारे पास ये कहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास एम, ये हमारे पास क्या होगा? पी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है? मेजर। फिर हमारे पास ये क्या है? एस, और ये हमारे पास है एम। अब देखें अब ये हमारे पास कौन सी फिगर बन गया। आपने ये फर्स्ट वाली फिगर बनी, इस तरह देखें ना, इस तरह ये फर्स्ट फिगर बन गया। ठीक है,
रिमोट इज ए, इसका मॉड चेक करें ए, ऑल एस और पी ए, नो माइस और एनिमल्स नो एस और पी, सम एस और पी आई, एंड फिर आ जाता है नो माइस और क्यूट एनिमल्स नो एस और पी आ गया हमारे पास ई, तो हमारे पास इसका मॉड क्या बना ए आई ई, एंड द फिगर इज, और फिगर हमारे पास कौन सी बनी, फर्स्ट वाली वन वाली, द फॉर्म ऑफ द सिलोजिज्म, तो इसकी फॉर्म क्या बनी ए आई ई वन, ये हमारे पास क्या बन गई फॉर्म। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसका मॉड लेना है, और मॉड के बाद हमने इसकी फिगर देखना है। फिगर हमने किस तरह देखनी है, जो इसकी लोकेशन होगी ना प्रीमिसेस में मिडिल टर्म की, उससे देखनी है। ओके, फिर हमारे पास ये क्या बन गई, दी फॉर्म ऑफ द सिलोजिज्म इज देयर फॉर ए आई ई वन। अब इसकी जो फॉर्म क्या है, ए आई ई वन, फिगर भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, कि हमने इसकी वैलिडिटी को चेक करना। वैलिडिटी को हम किस तरह चेक करते हैं, वंस द मॉड एंड फिगर ऑफ द सिलोजिज्म इज नाउन, एक दफा हमें पता चल गया, ए मॉड भी पता चल गई, फिगर भी पता चल गई, फिर हमने क्या फाइंड करना है, वैलिडिटी ऑफ द सिलोजिज्म, और वो इस किस तरह डिटर्मिन होगी, ऑफ द सिलोजिज्म कैन बी डिटर्मिन्ड बाय चेकिंग द मॉड एंड फिगर अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैलिड सिलोजिस्टिक। अब हमें आगे जाना लिस्ट दी होंगी, और लिस्ट से हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह इसको वैलिड कहना, कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। हमारे पास बेसिकली टू होते हैं, एक अनकंडीशनल वैलिड और एक होता है कंडीशनली वैलिड। अनकंडीशनली वैलिड क्या होता है, अनकंडीशनली वैलिड इज अ सिलोजिस्टिक फॉर्म्स आर दोज दैट आर वैलिड फ्रॉम द बूलियन स्टैंड पॉइंट। जब हमारे पास बूलियन स्टैंड पॉइंट से वैलिड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनली वैलिड। ओके, अब देख लेते हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट है, और अब इससे हमारे पास, मतलब जब हमारे पास सिलोजिस्टिक की फॉर्म आएगी ना, उसे हमने इसमें चेक करना है। तो अब ये आपको जुबान याद करना पड़ेगा, आप इसको याद करेंगे तो फिर ही आपसे ये बता सकेंगे कि ये वैलिड है या नहीं, ए ए ए ई ए ई आई आई। अब बात यह है कि हम इसे याद कैसे करें, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास हमारे एग्जाम होते हैं, हमारे पास कितना मटेरियल होता है याद करने के, और ये तो वैसे ही इतने कन्फ्यूजन है, तो हम इसे कैसे याद करें, इसके लिए आई हैव वन ट्रिक। अब हम इसे याद करेंगे वन ट्रिक से। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है, ओके ओके लेट्स स्टार्ट। इसमें ना आपको मजा आएगा, इसको आगे ना एक स्टोरी की तरह लेना, कि हमारे पास एक स्टोरी है। हमारे पास क्या है, ए ए ए क्या है, हमारा। इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, कि आपने जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे उसे कट कर देना है, और जो हमारे पास वोवल्स होंगे ना उसे रखना है, यू को हमने कंसिडर नहीं करना, AEIO इसे कंसिडर करना, जितने बाकी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसे कट कर देना। ओके, जो हमारे पास ये होगा वन, ये हमारी फिगर बताएगा, ये जो नंबर हो गया ये हमें फिगर बताएंगे, और जो ये हमारे पास होगा ना ये हमें मॉड बताएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टोरी की तरह याद करें इसे, हमारा, ये तो मैं पता है, हमारा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, और बेस्ट फ्रेंड कितने होते हैं, एक ही होता है, बेस्ट फ्रेंड हमारे पास एक ही होगा। ये एच गया, एम गया, और गया, तो फिर से हमारे पास क्या बचा, ए ए ए फिगर वन में, ए फिगर वन में, इस तरह हमें याद करना, ए ए है और फिगर वन में है। ओके, अब देख लेते हैं, हमारा अपनी ज़िंदगी में एक ना एक तो बेस्ट फ्रेंड होगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं ब्रैको जाएंगे, ब्रैको एक जगह का नाम है, और हमने डिसाइड किया कि हम अपने फ्रेंड के साथ ब्रैको जाएंगे। अब एक मैं हो गई और एक उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, एक वो खुद और एक उसका बेस्ट फ्रेंड, कितने लोग हो गए, दो लोग, दो लोग मिलके किधर जाएंगे, ब्रैको। ये हमारे पास फिगर टू हो गई, ये हमारे पास फॉर्म हो गई मॉड की, AOO। ओके, अब हमने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि मैं और मेरा दोस्त ब्रैको जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों ने हम दोनों को अकेले जाने की परमिशन नहीं दी। इस वजह से मैंने अपने दोस्त से बात की, फोन पे फिर हमने बात की, तो दोनों जो दोस्त थे वो क्या हो गए, सैड हो गए कि हमें घर वालों से परमिशन नहीं मिली। ओके, फिर उसके दोस्त ने डिसाइड किया कि
कि मैं एक काम करता हूँ कि उसे कुछ चीज़ें भेज देता हूँ ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। फिर उसने क्या किया, वो जोमैटो गया। जोमैटो आप समझ लें कि कोई खाने पीने वाली जगह का नाम है। जोमैटो गया और जोमैटो से उसने तीन चीज़ें उसे खरीदती भेजी, और तीन चीज़ों में आप पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक कर लें। उसने क्या किया, अपनी जोमैटो जाके उसे तीन चीज़ें खरीद के भेजी। किस वजह से, ताकि उसके दोस्त का मूड फ्रेश हो जाए। ओके, अब इसमें ये गया और ये गया, तो ओ ए ओ हमारे पास आ गया मॉट, और ये किधर लाई कर रहा है, फिगर थ्री में। ओके, अब उसने फिर अपने दोस्त से फोन पे बात की, तो फिर उसे पता चला कि उसके दोस्त का मूड अभी भी खराब है। फिर उन्होंने 12 को डिक्लेयर किया, 12 को डिक्लेयर किया कि मैं और तुम 13 को मिलेंगे। 1 और 2, 12 तो कुछ नहीं है ना, आप ये कंसिडर करें, बस एक याद करने की ट्रिक है, समझो। डिक्लेयर, डिक्लेयर में आपने 1 ये सारे काट गए, तो ई ए ई कहाँ कहाँ लाई करेगा, फिगर 1 में और फिगर 2 में। 12 को डिक्लेयर किया कि वो अपने दोस्त से मिलेगा, 13 को, 12 को डिक्लेयर किया वो 13 को मिलेगा अपने दोस्त श्री से। तो श्री ये गए, ए आई आई 13 को अपनी दोस्त श्री से मिलेगा। लेकिन उसने, घर वालों ने उसको क्या कहा कि तुम नहीं मिल सकते, शाम हो गई है और तुम्हारे एग्जाम है, तुम बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी करो। ओके, तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उनके दोस्त ने डिसाइड किया कि हम सवेरे सवेरे मिल लेंगे, मतलब हम सुबह सुबह मिल लेंगे, 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए हम सुबह सुबह मिल लेंगे। ये गया ए कहाँ कहाँ लाइक आ रहा है, 2 और 4 में, ठीक है। फिर इन्होंने, हमें पता है, हमने अपनी कोई भी बात मनवानी हो तो हम कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, तो फिर इन्होंने आपस में क्या बहाना लगाया, अपने वालदैन से क्या बहाना लगाया। फिर इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी 3 या 4 बुक्स हैं अपने फ्रेंड्स को देनी है या उससे लेनी है किताबें, मतलब किताबी की रहना, उसे 3 या 4 किताबें उसे देनी है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, आई ए आई 3 और 4 में। ओके, फिर हमने क्या किया, किताबें हो गई। फिर हमें क्या पता चला कि हमारी जो दोस्त श्री थी, हमारी दोस्त थी शेरी, वो हमसे सवेरे सवेरे मिलने आई थी, वो मतलब सुबह सुबह मुझसे मिलने आई थी, और सर्दी की वजह से वो बीमार हो गई, तब उसको मेडिसिन चाहिए, तो ना वो स्टोर 1 से मिली, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। अब एक स्टोर का नेम है मेडिकोस, और उस स्टोर से उसे अपनी मेडिसिन मिल गई। अब इसका मतलब क्या, ये सारे हो गए कट, ई आई ओ कहाँ कहाँ पर लाइक आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। देखिए ना, इसमें हमारा एक दोस्त है, हम दोनों ने ब्रेको जाना है, नहीं परमिशन मिली, तो हम जोमेटो से, उसने अपने दोस्त के लिए 3 चीज़ें खरीदी, फिर भी मूड ऑफ था। फिर हमने 1 और 2 को डिक्लेयर किया, मतलब 12 को डिक्लेयर किया कि हम 13 को अपने शिरी दोस्त से मिलेंगे, परमिशन नहीं मिली, तो हमने क्या कहा, हम 2 या 4 घंटे के लिए सुबह सुबह मिल लेंगे, सवेरे सवेरे मिल लेंगे। तो फिर हमने एक बहाना लगाया कि हमने बुक्स लेनी है या फिर देनी है, 3 या 4 बुक्स लेनी है देनी है। फिर हमारी दोस्त हमसे सुबह सुबह मिलने आई थी, जिसकी वजह से वो हो गई बीमार। अब उसे क्या चाहिए, मेडिसिन, जो कहीं से नहीं मिल रही, और एक स्टोर का नाम मेडिकोस है, वहां से मिल गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अनकंडीशनली वैलिड हो गया। अब हमारे पास आ जाती है कंडीशनली वैलिड। कंडीशनली वैलिड क्या होता है, कंडीशनल वैलिड सिलोजिस्टिक फॉर्म्स आर दोज दैट आर वैलिड फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन स्टैंड पॉइंट। जो अनकंडीशनल होता है वो अरिस्टोटल का नहीं, वो बुलियन का होता है, और जो कंडीशनली वैलिड होता है वो अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ए ए आई ई ओ ई ए ओ, ये तो छोटा सा, ये तो आराम से याद हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, कि इसके लिए आपके पास एस एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें एम एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसमें पी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अब देखें, जो हमारे पास ई ए ओ है ना, वो हमारे पास किधर एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4 चारों में, सिंपल। और फिर हमने ए ए आई, वो किधर एग्जिस्ट कर रहा है, इधर से 2 को कनेक्ट, 1, 3 और 4 में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, और ए ई ओ किधर एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 3 को कनेक्ट, 2 और 4 में। ये तो आसान सी ट्रिक है ना, उसको आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए ए
ई ए ओ, ये चारों में आ रहा है। ए ए आई, किस में आ रहा है? 1, 3 और 4 में। और जो ए ई ओ है, ए ई ओ, वो आ रहा है 2 में। ये तो आराम से याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एस एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारा सब्जेक्ट, इसमें मिडिल टर्म एग्जिस्ट होगी, इसमें हमारा प्रेडिकेट एग्जिस्ट करेगा। ओके, सिलोजिज्म। वंस अ सिलोजिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स मॉडर्न फिगर, एक दफ़ा हमारे पास मॉडर्न फिगर आ गया, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन इट्स वैलिडिटी। अभी हमारे पास बात आ सकती है कि हम इसकी वैलिडिटी को चेक करें। फर्स्ट में हमने क्या करना है, टेस्ट इट फ्रॉम द बुलियन स्टैंड पॉइंट। फर्स्ट में हमने इसे बुलियन के स्टैंड पॉइंट से टेस्ट करना है। सी इफ द फॉर्म अपीयर्स ऑन द टेबल ऑफ अनकंडीशनली वैलिड फॉर्म्स, अगर ये हमारे पास अक्र हो जाती है अनकंडीशनल वैलिड फॉर्म में, इफ इट डज देन इट्स अनकंडीशनली वैलिड, फिर हमारे पास ये क्या है, अनकंडीशनली वैलिड। इफ इट डज नॉट, अगर वो नहीं अक्र होती, अपीयर नहीं होती, देन टेस्ट इट अगेन, दोबारा उसे टेस्ट करें फ्रॉम द एरिस्टोटेलियन स्टैंड पॉइंट, रेफर टू द टेबल ऑन अ कंडीशनली वैलिड। ठीक है, फिर हमने इसको जो अरिस्टोटल का टेबल था उससे मैच करेंगे। अब हमने अरिस्टोटल में क्या पढ़ा है, डिफरेंट फ्रॉम द प्रेपोजिशन सिंस नाउ एग्जिस्टेंस इज एक्सटेंडेड टू एम एंड पी, मिडिल टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म इथर एज सब्जेक्ट टर्म, मिडिल टर्म और प्रेडिकेट टर्म हैज टू एग्जिस्ट बेस्ड ऑन विच रो द फॉर्म इज इन। अब हमें यहाँ पे डिपेंड करना पड़ेगा कि हमारा एस एग्जिस्ट कर रहा है, पी एम एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर पी एग्जिस्ट कर रहा है। यह हमें किस तरह पता चलेगा कि हम किस रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो हमारा एस एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो हमारा एम एग्जिस्ट करना चाहिए, थर्ड रो की बात कर रहे हैं तो हमारा पी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए ए आई कंडीशनली वैलिड इफ एस एग्जिस्ट। ओके, यह हमारे पास किस की एग्जाम्पल है, अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट की। ए ए आई कंडीशनली वैलिड इफ एस एग्जिस्ट, ए ए आई है, फर्स्ट फिगर है, और वो तब वैलिड होगा अगर हमारे पास एस एग्जिस्ट करता है। ओके, कैट्स एग्जिस्ट सो वैलिड। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, ऑल मैमल्स और एनिमल्स, ऑल एम आर पी, ऑल कैट्स और एनिमल्स, देयर फॉर सम कैट्स आर एनिमल्स। ये हमारे पास क्या है, मेजर टर्म, ये हमारे पास है माइनर टर्म, और ये हमारे पास क्या है, मिडल टर्म। ओके, तो आप ज़रा बताएं कि इसका हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास ये है ना एस, वो उसको हमने कंक्लूजन से देखना। अब ये हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो वैलिड होगा। अब देखिए ये एस कैट एग्जिस्ट करती है, सो कैट एग्जिस्ट सो वैलिड। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर टू देखें, No SRP, no superheroes are first, all superheroes are first, therefore some people are not first. ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, No SRP E, all SRP A, और therefore some people are not first. ये आ गई हमारे पास O. अब देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई major term. ये हमारे पास ये मेजर है, पीपल, ये हमारे पास क्या हो गए, माइनर, तो अब ये हमारे पास क्या है, सुपर हीरोज, ये हमारे पास क्या है, मिडल टर्म, तो ये हमारे पास मिडल टर्म। तो अपने जरा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा कि ये फिगर 3 में से आ रहा है। तो इसका मतलब फिगर को हमने पढ़ लिया कि वो किस तरह होती है, लोकेशन ऑफ मिडल टर्म की वजह से हमें पता चल दिया। तब ये हमारे पास क्या है, फिगर 3। ओके, फिगर 3 है, ये हमारे पास आ गई मॉडर्न फिगर। अब हमने इसकी क्या चेक करनी है, वैलिडिटी। अब बताएं ई ए ओ किधर एग्जिस्ट कर रहा है, ई ए ओ एग्जिस्ट कर रहा है 4 पे, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एम एग्जिस्ट, एम को एग्जिस्ट करना चाहिए। आप जरा बताएं इसका मिडिल टर्म क्या है,
सुपर हीरोज और सुपर हीरोज तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जब वो एग्जिस्ट ही सुपर हीरोज टू नॉट एग्जिस्ट सो नॉट वैलिड। ठीक है, आज के लिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे तो लगता है इस लेक्चर के दौरान आपको याद भी हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ रिवाइज इट एंड लिसन इट अगेन अनटिल यू लर्न इट। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा लेक्चर, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाया करूँ। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। चलें ठीक है, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।